Let's check the latest news updates from Vipul Goyal. फ्रेंड्स, फॉर टीवी के हिंदी साप्ताहिक समाचार में फिर एक बार आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं हिंदुस्तान से और ऑस्ट्रेलिया से नई खबरें। शुरुआत करते हैं हिंदुस्तानी खबरों से। पहली खबर, प्रदूषण बोर्ड। गंगा को प्रदूषित करने वाले उद्योगों को 15 दिन में कार्रवाई करने का निर्देश। CPCB ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के बोर्ड को कार्रवाई करने को कहा। बोर्ड ने कहा, विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को गंगा प्रदूषित कर रही है। इस संबंध में अप्रैल में बैठक हुई थी, लेकिन बोर्ड ने पाया कि अभी तक इस पर कोई काम पूरा नहीं हो पाया है। नई दिल्ली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा नदी में औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को लगातार बहाए जाने को लेकर 4 राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। CPCB ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रदूषण बोर्ड से कहा है कि यदि औद्योगिक इकाइयां पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं कर रही तो उन्हें तत्काल बंद कर दिया जाए। CPCB ने इन राज्यों के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, यदि उन्हें निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होती है तो रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों में अंदर कार्रवाई करनी होगी, जरूरी हो तो उन्हें बंद कराए। 400 से अधिक औद्योगिक इकाइयां का निरीक्षण किया गया, लेकिन संस्थानों ने इस बारे में कुछ रिपोर्ट जमा नहीं कराई है। इसमें IIT जामिया मिलिया इस्लामिया, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान और 12 अन्य संस्थान भी शामिल हैं। संस्था ने एक हफ्ते पहले लिखे पत्र में कहा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में स्थित रासायनिक, नशीले, चीनी, लुगदी और कागज, कपड़े, खाद्य पदार्थों और डेयरी उद्योगों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को सीधा गंगा में बहाया जा रहा है। इससे नदी और इसकी सहायक नदियों की पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। यदि सभी प्रदूषित इकाइयों का निरीक्षण किया जाता है तो तकनीकी संस्थानों को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करानी होगी। ये खबर थी गंगा को साफ करने के लिए। गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है औद्योगिक इकाइयों के कारण। 4 राज्यों में एक बड़ा कदम उठाया गया गंगा की पानी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। अब खबर कश्मीर से। किश्तवाड़ में माछिल माता यात्रा भी रोकी गई। अधिकारियों ने सुरक्षा के वजह से यह रोकी है। अधिकारियों ने कहा, जो यात्री माछिल यात्रा के लिए निकल चुके हैं वे भी वापसी की तैयारी करें। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा के मुताबिक सुरक्षा के मद्देनजर माछिल यात्रा तुरंत प्रभाव से रोकी गई है। शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा मार्ग पर एक पार्क में बनी बारूदी सुरंग और अमरीका से बनी स्नाइपर गन मिली थी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में 43 दिन तक चलने वाली माछिल मात्रा यात्रा भी शनिवार को स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों ने सुरक्षा का एक बड़ा कारण बताया कि सुरक्षा की वजह से बंद करी गई है। अधिकारियों ने लोगों से कहा, यात्रा को जारी ना रखें, साथ ही जो यात्री इसके लिए निकल चुके हैं वो भी वापसी की तैयारी कर ले। शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा मार्ग पर पाकिस्तान में बनी सुरंग, लैंडमाइन और अमेरिकी स्नाइपर गन मिलने के बाद यह यात्रा रोक दी गई है। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर अग्निश सिंह राणा ने न्यूज एजेंसी को बताया, सुरक्षा कारणों के मद्देनजर यात्रा को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यात्रा 25 जुलाई को शुरू हुई थी, यह 5 सितंबर तक समाप्त होनी थी। यात्रा में शामिल होने के लिए देश भर से लोग पहुंचते हैं। देश भर से हजारों लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए घाटी पहुंचते हैं। यह स्थान नीली खदानों के लिए भी प्रसिद्ध है। तीर्थयात्री इस यात्रा को पूरी करने के लिए 30 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करते हैं। माँ दुर्गा की पूजा के लिए किश्तवाड़ के माछिल गाँव में आते हैं। किश्तवाड़ एक दशक पहले ही आतंक मुक्त घोषित कर दिया गया था। पिछले साल नवम्बर में यहाँ भाजपा के प्रदेश सचिव अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार की हत्या के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना था। अप्रैल में हुई अन्य घटनाओं में RSS ने नेता चंद्रकांत शर्मा और उनके सुरक्षाकर्मी को मार गिराया था। इससे पहले केंद्र ने घाटी के हमले के इनपुट को मद्देनजर अमरनाथ यात्रा और पर्यटकों को वहां से जल्द वापस लौटने की अपील कर दी है। हालांकि
यात्रा पहले भी आंत की खतरे के साय में पूरी होती थी, लेकिन इस बार बारूदी सुरंग और स्नाइपर गन मिलने के कारण तनाव ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये खबर थी अमरनाथ यात्रा और माछिल यात्रा से, जहाँ पर जो भी पर्यटक आए हैं, जो भी यात्रा करने आए हैं, उनको वापस बुलाने के लिए कहा गया है। अब हिंदुस्तान में बारिश। महाराष्ट्र में भारी बारिश में मुंबई गोवा हाईवे पे भूस्खलन हो गया है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पे पानी भरा। 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित हो गई है। ठाणे में भारी बारिश के चलते समय सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में अगले 2 दिन और गोवा गुजरात में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी है। महाराष्ट्र के 8 जिलों में बारिश के कारण स्कूलों की छुट्टी घोषित हो गई है। इसमें ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, कोल्हापुर, नंबूदार, नासिक, गढ़चिरौली शामिल है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 2 दिन और गोवा गुजरात में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। शनिवार सुबह रायगढ़ में मुंबई गोवा हाईवे पर तेज बारिश के बाद भूस्खलन हो गया है। खराब मौसम के बावजूद प्रशासन सड़क का मलबा हटाने की कोशिशों में जुटी हुई है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश से जनजीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले 12 घंटे तक दहीसर चेन का इलाके में 133.32 मिलीमीटर, बोरीवली रेलवे स्टेशन पे 128 और अंधेरी पूर्व में 90.4, मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर 52.59 मिलीमीटर रिकॉर्ड करी गई है। प्रशासन ने स्थिति पर नज़र बनाई हुई है। अधिकारी थाने के महानगर पालिका आयुक्त संजीव जायसवाल ने बताया है कि शुक्रवार रात से अभी तक 140 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हाई अलर्ट कर दिया गया है। हाई टाइड के दौरान 4.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती है। प्रशासन ने परिस्थिति को नज़र बनाए रखी हुई है। लगातार बारिश के कारण मलाड सबवे बंद कर दिया गया है। ट्रांस हार्बर और खासकोपर की ओर चलने वाली कॉरिडोर पर सेंट्रल रेलवे की ट्रेनें चल रही हैं। हालांकि मेन और हार्बर लाइन पर धीमी रफ्तार के कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं। जोगेश्वरी में भारी बारिश के कारण वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पानी भर गया। अंबेडकर नगर, हीरा नंदनी, उल्लास नगर, दादर, कुर्ला मुटुंगा जैसे इलाकों पर जल भराव हुआ है। BMC ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस प्रकार महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में बारिश की एक बुरी स्थिति बन गई है। भूस्खलन हो गया, स्कूलों की छुट्टी हो गई है, ट्रेनें देर से चल रही हैं, और अब आगे क्या होता है ये जिस हिसाब से मानसून चलेगा उस हिसाब से बताया जाएगा। कश्मीर में महबूबा ने कहा, भारत की जनता के बदले जमीन को तवज्जो दे, कश्मीरियों से उनका हक छीना जा रहा है। राज्यपाल सत्यनायक मलिक ने शुक्रवार को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मलिक ने कहा, अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांति बनाए रखें। जम्मू कश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रियों को और पर्यटकों को जल्द से जल्द वापस लौटने को कहा। हाल ही में केंद्र ने कश्मीर में 10,000 अतिरिक्त बलों को भी भेजा है। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों में राज्य के विशेष दर्जे के संबंध में किसी फैसले की संभावनाओं के मद्देनज़र तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा, अब मामला आर पार हो चुका है। भारत ने जनता के बजाय जमीन को तवज्जो दी है। हाल ही में केंद्र ने कश्मीर में 10,000 अतिरिक्त सेना बलों की तैनाती की है। दरअसल शुक्रवार रात राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य की मौजूदा हालत पर चर्चा करने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था। इस दौरान महबूबा ने राज्यपाल से कहा, अफवाहों को दूर कीजिए, घाटी में इसके कारण तनाव बढ़ रहा है। मलिक ने प्रतिनिधिमंडल को बताया, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अमरनाथ यात्रा पर हमले की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा के मद्देनज़र यह निर्देश जारी किए गए हैं। सुरक्षा बल इस मामले को पूरी तरह देख रहे हैं। कोई भी आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। इसी वजह से यात्रियों को निर्देश दिया गया है वापसी जाने के लिए। अगली खबर है, होंडा मोटरसाइकिल ने 4 मॉडलों की 50,000 गाड़ियों को रिकॉल किया। फ्रंट ब्रेक में फॉल्ट का शक। सो HSMI मोटर्स जो कि गुड़गावा में है, उन्होंने 4 मॉडल की 50,000 गाड़ियों को रिकॉल किया है। उसमें बताया है कि फ्रंट ब्रेक में फॉल्ट है, इस वजह से इस बार 4 फरवरी से 3 जुलाई तक बनी एविटर, एक्टिवा 125, ग्रोजिया और सीबी शाइन
का रिकॉल करा गया है। इन गाड़ियों की जांच होगी, पार्ट्स बदलने की जरूरत पड़ी तो ग्राहकों को कोई पैसे नहीं देने होंगे। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने 4 मॉडल की 50,034 गाड़ियाँ रिकॉल करी हैं। इसमें 4 फरवरी से 3 जुलाई के बीच बनी एविटर, एक्टिवा, ग्रोजिया और सीवी शाइन शामिल है। इन गाड़ियों के फ्रंट ब्रेक मास्टर सिलेंडर में फॉल्ट होने की आशंका है। कंपनी ने कहा है कि सारी रिपेयरिंग करी जाएगी जिसपे ग्राहक को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। शेयर बाजार पे सेंसेक्स 84 अंक की बढ़त के साथ 37,481 पर और निफ्टी 33 पॉइंट ऊपर 11,118 पे बंद हुआ है। काफी डे इंटरप्राइज के शेयर 20% की गिरावट में। कंपनी के चेयरमैन वीजी सिद्धार्थ का शव मैंगलोर के नेत्रावती नदी में मिला सोमवार को लापता हुए थे। शेयर बाजार ने बुधवार को दिन भर उतार चढ़ाव के मामले में कारोबार खत्म हुआ। सेंसेक्स 83.88 की बढ़त के साथ 37,481 पर बंद हुआ। इंट्राडे में इसने 37,576 का ऊपरी और 37,128 का निचला स्तर हुआ। निफ्टी की क्लोजिंग 32.6 पॉइंट पर 11,118 के साथ हुई। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव चलता रहा। तो इस प्रकार ये खबरें थी जिस मीडिया से, जो कि सेंसेक्स के 30 में से 21 और निफ्टी के 50 में से 37 शेयर की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। NSI पर 11 में से 8 सेक्टर इंडेक्स फायदे में रहे। मेटल इंडेक्स सबसे ज़्यादा 2.3% की तेजी में रहे। दूसरे और मीडिया इंडेक्स सबसे ज़्यादा 2.9% नुकसान में रहे। तो इस प्रकार से ये खबरें थी हिंदुस्तान से, जिसमें हमने बात करी बाढ़ की, कारोबार की, होंडा स्कूटर्स की, और अगले हफ्ते हम नई खबरें लाते रहेंगे हिंदुस्तान से। अब शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलियन खबरों से। ऑस्ट्रेलियन खबरों में पहली खबर ये है कि जिस प्रकार आपको पता लग रहा था कि हाई राइज बन रही हैं सिडनी में और उनमें क्रैक्स आ रहे हैं और उसमें काफ़ी प्रकार की खामियां पाई जा रही हैं, उस पर जो सर्टिफायर्स कंपनियां थी जो कि सर्टिफाइड करी थी बिल्डिंग्स को, उनके स्क्रूटनिंग चालू हो चुकी है और 130 बिल्डिंग पे कंप्लायंस प्रॉब्लम बताई जा रही हैं। इसमें से बताया जा रहा है कि ये स्क्रूटनिंग चलती रहेगी और इसमें 100 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में कमियां और खामियां बताई जा रही हैं। जो स्टेट कॉरपोरेशन इंडस्ट्री क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और उसमें से 111 डिसिप्लिनरी एक्शन 2005 तक हुए थे लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जो खबर थी कि हाई राइज में क्रैक्स आ रहे हैं या उसमें खामियां हैं, उस पर सर्टिफायर्स पे अब हमला बोल दिया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर डिसेबिलिटी के बारे में ऑस्ट्रेलिया में बताया जा रहा है कि डिसेबिलिटी एडवोकेसी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया को कहा है कि जो डिसेबल पीपल हैं उनको हार्डशिप और इनइक्वलिटी से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने ये बताया कि सिस्टम जो है डिसेबिलिटी का एडवोकेसी ग्रुप ने, कि वो फेलियर हो गया है और वो डिसेबल पीपल की लाइफ पे बहुत बुरी तरीके से प्रभाव डाल रहा है। इसमें उन्होंने बताया कि जो इनइक्वलिटी है और हार्डशिप है, कई बार जिसको चाहिए डिसेबिलिटी मदद वो मिलती नहीं, समय पे नहीं मिलती, और उन्होंने काफ़ी जोर दिया इन बातों पे कि इस पे कैसे सही किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि जो वुमेंस हैं और औरतें हैं उनमें डिसेबिलिटी ऑस्ट्रेलिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्रेलन फ्रॉमहेडर सेड ऑस्ट्रेलिया मोस्ट वेलरेबल कंटिन्यू टू फेस अनएक्सेप्टेबल बैरियर्स। तो एक डिसेबिलिटी की जो मदद सरकार करती है उसमें इनइक्वलिटी और हार्डशिप्स हैं, उसके कारण डिसेबल पीपल को काफ़ी जूझना पड़ता है। इस पर काफ़ी डिसेबिलिटी एडवोकेसी ग्रुप ने झाड़ लगाई है। तो इस प्रकार ये खबरें थी ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया से। अगले हफ्ते हम फिर लाएंगे नई खबरें ऑस्ट्रेलिया इंडिया से आपके लिए इसी समय पे, इसी वक्त पे। तब तक के लिए आपके सुखद भविष्य की शुभकामनाएं और धन्यवाद।